टेन कुरैशी साहब, आप समझते हैं कि अब मामला जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए हैं सर, चूंकि आप अदलिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक तरह से ये दो फरीक बन गए हैं जो इस वक्त आमने सामने हैं और आईनी हाथ से निपटने की बात भी हो रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पारिस, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूंगा, आपने शो में दावत दी है। देखिए पारिस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुल्क में अभी हो रहा है ये सस्टेनेबल नहीं। जो हुकूमत को फैसला पसंद ना आए उसके ऊपर ये चढ़ दौड़ती है। आपने अपने इंट्रो में बताया और दुरुस्त निशानदेही की कि मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है तो मुस्लिम लीग नून ने या एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की है, या इन्होंने अदलिया से लड़ाई की है, या इन्होंने बाकी सियासी जो कुवतें उनसे लड़ाई की है, एंड में नुकसान अपना ही किराया। वही वाली बात है ना कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, नुकसान तो खरबूजे का ही होता है। ये वो वाला खरबूजा है कि इन्होंने अपना नुकसान कराना ही कराना है, कि अपनी गलतियों से नहीं सीखते। आज भी इनके साथ यही कुछ हो रहा है, जहां जो चीज इनकी मंशा से हो, इनकी पसंद से हो, वहां पे वाहवा है, जो ना हो ये सीधा अटैक कर देते हैं। अब आपने मरियम बीवी का बयान दे। मुझे लगता है कि यहाँ हर फरीक ने ये फैसला किया हुआ है कि हम तो डूबे हैं सनम, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। हर फरीक यही सोचे खड़ा है। सर आपकी भी तो गलतियां हैं, आप सबक सीख रहे हैं। पता नहीं हम किसी और को डुबाएंगे नहीं, हमें तो होते देने की कोशिश की जा रही है। हम तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। आपने देखा जिस किस्म का जुल्म, जिस किस्म की बर्बरियत मौलाना साहब ने आपको डुबाया भाईजान, पहले हम तो बिल्कुल नहीं डुबा रहे हैं, मौलाना ने पहले आपको डुबाया और आप शायद हमें तो आप सारे मिलकर होते देने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग केपीके की गवर्नमेंट जो है वो खत्म करने के लिए भी तैयार है और फिर असेंबलियों से इस्तीफे देने के लिए तैयार है, तो कोई यकीन दहानी कराई होगी ना आप लोगों ने मौलाना साहब को, जो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। सर मौलाना साहब ने पहले जितनी बातें की हैं जब वो पीडीएम के सदर थे, क्या पीडीएम उनकी बातों से इतफाक करती थी? जो हम करेंगे, हम तो उनके इत्तेहादी भी नहीं है अभी। एनीवे मौलाना के चले, वो बैरिस्टर गौहर ने भी डिनाई कर दिया कि आप लोगों ने ऐसी बात नहीं की, मौलाना साहब गलत फरमा रहे हैं। हम तो बिल्कुल, मैं तो डिनाई कर रहा हूँ, हमारे में ऐसी कोई बात नहीं है। मजेदार बात सिर्फ ये है कि अभी आपकी मैंने गुफ्तगू, आगर रफीउल्लाह साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था और उसमें इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की है कि ये कहते हैं कि जी हमारे पास ऑप्शन क्या थी। आगा साहब, आपके पास ऑप्शन वो थी जो हमारे पास है कि आप अपोजिशन में आके बैठते, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस दफा पारिस क्या किया है, पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से स्मार्ट खेलने की कोशिश की है। पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सारी ले ली, सदर अपना बना लिया, चेयरमैन सेनेट अपना बना लिया, गवर्नर अपने बना लिए, तो मिनिस्ट्री एक बना ली। आज इन्होंने क्या किया है, आज मेरी आप सुने ना जी, आज इन्होंने क्या किया है, आज इन्होंने को कहा कि हमारी स्टैंडिंग कमिटीज की चेयरमैन ये अपने हिस्से से नहीं ले रहे, तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हुकूमत के मजे भी एंजॉय कर रहे लेकिन गाली सारी मुस्लिम लीग नून को पड़े। इनके पास हमेशा ये ऑप्शन है कि ये आज भी आके ऑपोजिशन में बैठ जाए हमारे साथ आके। इन्होंने कहा हम बजट में भी हुकूमत का वोट नहीं देंगे, बड़ा एहतजाज करेंगे। जैन पेशी साहब, एक सेकंड, आप वैसी ऑपोजिशन में बैठ जाए, किसके साथ बैठे? हमने कोई इजारादारी थोड़ी बनाई है, इजारादारी ही है ना यार ये। अच्छा देखे, एक एक लार्जेस्ट पार्टी, ये एक लार्जेस्ट पार्टी, बीच में हम जाके इनके बीच में, मतलब ये कौन सी बात, लॉजिक की बात करें कि हम अपने रोल, देखे जैन भाई, हम अपना एक आईनी और जमहूरी रोल प्ले कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी ना किसी सूरत में आगे चले। उसमें आप अपोजिशन, आपको पहले ऑफर की कि आप लोग आ जाए संभाल ले, आप लोगों में एलियत नहीं थी कि आप गवर्नमेंट करते, इनको दे दी, इन्हों और आईनी ओदे ले लिए, पाकिस्तान चले ना चले पीपल्स पार्टी तो चल रही है। ये आईनी ओदे है, ये वो आईनी ओदे, मैं नहीं हूँ आपको, है ना, तो उससे कौन सा फर्क। बात ये कि डिसीजन मेकिंग तो आज भी गवर्नमेंट है या जैन कुरैशी साहब है पीटीआई। अच्छा जैन कुरैशी साहब, एक बात ये सर आप सुन लेना, मैं पारस में जवाब, मुझे जवाब देने दे। एहलियत की बात नहीं है, हम बिसाखी वाली हुकूमत नहीं करना चाहते थे। इंशाल्लाह अगली हुकूमत में दो तीन अक्सरियत वाली हुकूमत बना के देंगे, आपको मुल्क के ला के दिखाएंगे। अब जहां तक बात एहलियत की आ जाती है, आगर रफीउल्लाह साहब ने बड़ी मजेदार बात की, उन्होंने कहा कि सिंध में रोज हमारी मकबूलियत बढ़ रही है, और आपने पारस खुद ही कह दिया कि सिंध के अंदर जो गवर्नेंस के हाल है उसके ऊपर आप पूरा शो करेंगी। तो अगर यही लॉजिक आपने इस्तेमाल करना है तो इस लॉजिक के तहत तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केपीके में सिर्फ मकबूलियत नहीं बढ़ रही। आपने ये देखा कि तीन मुतवातर हमें तीन मुतवातर हुकूमतें मिली हैं और हर हुकूमत के अंदर हमें पहले अक्सरियत मिली, फिर दो तीन अक्सरियत मिली, अब तीन चौथाई की अक्सरियत मिल गई है, तो हमारी तो पॉपुलैरिटी फिर बहुत बढ़ गई। इसका मतलब आपके मुताबिक साफ और शफाफ थे, और बाकी जो बाकी जहां पे इलेक्शन हुए वो आप कहते हैं धांधली ज्यादा थे बाकी इलाकों में।
हम नहीं, हमने तो आपको पहले भी ऑफर की है कि अगर आपको लगता है केपीके में ऐसी कोई सीट है जहां पर धांधली हुई है, आए, हम उनको खोलने को तैयार है। तो मैं भी अपना सीट, यार मैंने भी तो अभी आपके आपकी जैन भाई आपसे पहले मैंने भी यही बात की कि हम मेरी सीट आप आ जाए कल खोल लें, जिस तरह आपका दिल करे खुलवाए, री इलेक्शन के लिए भी तैयार हो, आ जाए। वो खान साहब ने पीपल्स पार्टी से आज बात करने के लिए जैन को इनकार किया ना, वो कहते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी एक ही है और ये सब फॉर्म 47 की पैदावार है। मैं जैन कुरैशी को ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि जिस तरह इनका दिल करे उस तरीके से हम डब्बे भी खुलवाते हैं, थैले भी खुलवाते हैं और ये कहेंगे कि री इलेक्शन करे। आप आगा रसूल्ला बड़ी फराश दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अर्बन सिंध के अंदर खा वो कराची हो या हैदराबाद, पीपल्स को बहुत नुकसान हुआ, पीपल्स पार्टी बहुत पीछे चली गई है, तो ख्याल से ऑफर करें। अच्छा सर, अरे तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी मेरी ऑफर आप एक्सेप्ट करें, पीटीआई के लिए फायदा करें, एक सीट बढ़ा दे, आ जाए, मेरी आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ मैं इनके साथ। सर, एक सीट नहीं, इंशाल्लाह पूरी हुकूमत लेंगे, आप थोड़ा सा ठहरे तो सही। एक सीट पे कनात नहीं कर रहे, पूरी हुकूमत की बात करें। जैन कुरैशी साहब, एक और बात, आप समझते हैं कि अगले दो माह में आपकी इलेक्शन से मुतालिक जो दरखास्त है वो समाप्त के लिए मुख्तस हो सकती है और ये इलेक्शन जो है वो मनसूख हो सकते हैं, चूंकि गवर्नमेंट इस तरह के खतरात महसूस कर रही है? पारिस, देखिए, जहां तक तो है ट्रिब्यूनल्स का सवाल, तो ट्रिब्यूनल्स के ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा लाहौर हाईकोर्ट ने एक बड़ा बोल्ड फैसला दिया है और उन्होंने ट्रिब्यूनल्स को, ट्रिब्यूनल के जजेस को चेंज करने से इनकार किया। ऐसे ही है। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए है कि ट्रिब्यूनल्स को हरकत में आना चाहिए, ट्रिब्यूनल्स को जो है केसेस को टेकअप करना चाहिए और एक ही दफा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमारा क्लेम क्या है? हमारा क्लेम ये है कि एज पर फॉर्म 45 हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे पास 90 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिसमें हम क्लेम करते हैं कि एज पर फॉर्म 45 हम वो जीते हुए सीटों का। अब जब तक आप उसका कोई अजाला नहीं करेंगे, जब तक उसको कोई फाइनलिटी रिटेन करेगी, ये चीज तो हवा में लटकती रहेगी।